वेलकम बैक टू ड्रॉ विद सिद। तो आज हम देखने वाले बेसिक एक्रेलिक पेंटिंग मटेरियल जो आपको आपके बिगिनिंग स्टेज में जरूरी है, और ये एक्रेलिक पेंटिंग मटेरियल आपको सिर्फ 999 में मिलने वाले। यस, आपने सही सुना, 1000 रुपीज के अंडर ही आपको मिलने वाले। और यही मटेरियल मैंने मेरे बिगिनिंग स्टेज में यूज किए थे। और इसमें मैं कुछ ऑप्शनल मटेरियल भी बताने वाला हूँ, जो आपने नहीं खरीदे तभी चलेगा, लेकिन दैट विल बी अ बोनस फॉर यू। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले देखेंगे हम कलर्स। तो कलर्स ये फेविक्रिल के कलर्स है, जो 10 शेड्स आपको मिल जाएंगे फॉर 200 रुपीज। ओके, ये आपको सेपरेट बॉटल्स भी मिल जाती है। देखिए, ये मैंने सेपरेट बॉटल खरीदी है, आप ये देख सकते हो, फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स ऐसे आपको दिखेगा। फेविक्रिल के फैब्रिक कलर्स भी होते हैं, लेकिन फैब्रिक मत लो, वो क्लोथ के लिए होते हैं, मतलब वो भी चल जाएंगे, वैसे कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये स्पेसिफिकली उन्होंने एक्रेलिक के लिए बनाए तो क्या प्रॉब्लम है। इनकेस आप ये भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप बस व्हाइट और ब्लैक, बस ये दो शेड्स ले सकते हो आप। अगर इनकेस अगर ये दो कलर्स आप अफोर्ड नहीं ये कलर्स आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो बस आप व्हाइट और ब्लैक, ये दो शेड्स आप ले सकते हो, मतलब आप मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़, हाँ, कलर्स के साथ आपको ये भी लेना चाहिए। ये देखिए, ये वाइट एक्रेलिक कलर है, ये एक ट्यूब है, इसका डिब्बा भी मिलता है, वो भी 100 को ही होता है, और ये भी 100 को ही है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा होता है उसमें कलर। अब कितने ml का होता है मुझे याद नहीं, लेकिन ये 40 ml है, ये आप देख सकते हो, ये 40 ml है फॉर 100 rupees। तो एक एक्स्ट्रा एक्रेलिक वाइट कलर आपको लगेगा, क्योंकि भाई वाइट कलर ख़त्म हो ही जाता है, मतलब बहुत बार ऐसे होता है, तो इसलिए ये एक एक्स्ट्रा ले लीजिए। नेक्स्ट थिंग इज़, फिर कौन से मीडियम पे आप कर पाओगे। ओके, तो कलर्स में आप, अब ये जो कलर्स है ना एक्रेलिक कलर, ये किस पे भी चल जाते हैं, मतलब आप बॉटल पे भी कर सकते हो, आप पेपर पे भी कर सकते हो, आप कैनवास पे भी कर सकते हो, आप कपड़े पे भी कर सकते हो, आप MDF बोर्ड पे भी कर सकते हो। ये देखो, ये बोर्ड है। ओके, थोड़ा कार्डबोर्ड से थोड़ा अलग होता है, ये मजबूत होता है थोड़ा, आप देख सकते हो, ये MDF बोर्ड है। तो ये मुझे मिला है मॉन्जिनिस के केक में, तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं, मतलब एक्रेलिक कलर इज़ लाइक, जहाँ दिखे वहाँ पेंट कर सकते हो आप। आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कैनवास बोर्ड कैसे दिखता है। ये A4 साइज़ कैनवास बोर्ड, मतलब एक्चुअली 8x10 inch। तो आप देख सकते हो, ये कैनवास बोर्ड है, ये होमस्ट्रैप के कैनवास बोर्ड है, ये आप ले सकते हो 250 rupees के लिए। पैक ऑफ 4 आता है। ओके, 4 आते हैं कैनवास, सिर्फ एक ही नहीं कैनवास बोर्ड आता है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि पेपर ले सकते हो, आप वाटर कलर पेपर भी ले सकते हो, जो 300 GSM के होते हैं। ओके, अब ये आप सोचोगे कि भाई ये 300 GSM वगैरह क्या है, तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई है, वो भी आप चेक कर सकते हो। नहीं तो डायरेक्टली एक स्केच बुक मिलती है, विच कम्स फॉर 100 rupees। ये 50 sheets की है। ओके, अनुपम ब्रांड है, उनकी एक स्केच बुक है, तो ये एक है। या फिर और एक चीज़ आप ले सकते हो, कैनवास शीट्स। देखिए, कैनवास शीट आप देख सकते हो, जिस पे मैंने एक कैंडल लाइट की पेंटिंग बनाएगी। कैनवास शीट पैड मिलेंगे, या फिर कैनवास शीट्स भी मिलेंगी, विच इज़ अराउंड 200, 250, 300 तक। उसके बाद हम बढ़ेंगे ब्रशेस की तरफ। तो ये है ब्रश, ओनली 8 brushes, आपको ज़्यादा लगेंगे नहीं। एक्चुअली ये एक ऐसे सेपरेट ब्रांड के, एक ब्रांड के नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक ब्रांड के ब्रश डाल दूंगा, आर्टिस्ट जेन के, और वो 300 rupees के लिए आपको 8 brush का सेट मिल जाएगा, जिसमें आपको राउंड ब्रश मिलेंगे, जिसमें आपको फ्लैट ब्रश मिलेंगे, और अलग अलग साइजेस के मिलेंगे। फैन ब्रश है, ये फैन ब्रश क्यों यूज़ करते हैं मैं आगे जाके आपको सिखाने वाला हूँ, मतलब कैसे यूज़ करते हैं। ये यूज़ करते हैं पेड़ पत्ती झाड़ी ऐसे, ये बनाने के लिए बहुत आसानी से बन जाते हैं इससे, तो ये ब्रश आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो। ये फैन ब्रश है, ये सेपरेट नहीं मिले मुझे, तो मैंने इसका भी सेट खरीदा था। देखिए, ये आपको सेट मिल जाएगा, तो ये हम, ये भी आप एडिशनल में डाल सकते हो। ओके, तो ये मैंने सेट लगभग कितने को ख़रीदा तो मुझे याद नहीं, लेकिन आपको जो ब्रशेस है ना, वो मतलब राउंड ब्रश भी, अगर आपको नहीं लेना फैन ब्रश तो कोई बात नहीं है, मैं विदाउट फैन ब्रश वाले भी ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ। जैसे हम 300 पकड़ लेते हैं, और अगर आपको एक्स्ट्रा लेना है तो देखिए, ये वाला एक ब्रश चाहिए आपको, ये ब्रश बहुत ज़रूरी है, ये बड़ा वाला ब्रश है, क्योंकि कैसे, अगर आप बड़े सरफेस पर पेंट कर रहे हो, या फिर वार्निश कर रहे हो, या फिर गैसो कर रहे हो, अभी ये सब चीज़ें आपको पता नहीं होंगी, आगे जाकर मैं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए एक बड़ा ब्रश लगता है, तो इसलिए एक बड़ा ब्रश भी खरीद लीजिए। आपको ये मिल जाएगा लगभग मे बी 50 rupees का होगा ये शायद, क्योंकि ये ब्रश भी मेरे घर में मुझे मिल गया। इसलिए अब बात आती है कि पैलेट की, तो पैलेट आप कोई भी ले सकते, ज़रूरत नहीं है कि कोई फैंसी पैलेट चाहिए आपको जो आर्टिस्ट के पास होती है, आगे जाके आप ले लो, लेकिन अगर स्टार्ट है आपका तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये देखो, ये बहुत रंग चुके हैं पैलेट, और आपको दिमाग में आया होगा, यार इतनी गंदी क्यों रखी है पैलेट मैंने, मतलब
अच्छी दिख भी रही है वैसे, डिपेंड आपके नजरिए पे, लेकिन तब भी क्यों रखिए। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ऐसी पैलेट हो तो आप साफ कैसे कर पाओगे बहुत आसान तरीके से, ये भी हम देखने वाले। अब ये सब हो गई, ओके, आपको क्या क्या लेना है एक बार मैं बता देता हूँ। 100 रुपीज, 200 रुपीज, 400 रुपीज एंड दिस इज फॉर 300 रुपीज। तो टोटल हो गए 1000 रुपीज़ हो गए हमारे, और आपके 1000 में बेसिक मटेरियल कंप्लीट हो गए। अगर आपको आगे नहीं देखना है ऑप्शनल वीडियो तो यू कैन स्किप इट। द नेक्स्ट थिंग इज, ये ऑप्शनल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो ये है वार्निश जो आप खरीद सकते हो आगे जाके, मतलब ये आपके पेंटिंग्स को प्रोटेक्ट करेगा। इस पे मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो बनाई है कि आप वार्निश कैसे अप्लाई कर सकते हो आपके पेंटिंग्स पे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये वार्निश है, ओके, ये लिक्विड वार्निश है, स्प्रे वार्निश भी मिल जाता है आपको, तो वो भी आप खरीद सकते हो। ये 250 रुपीज़ के लिए, ओके। अगर ऑप्शनल चीज़ें हैं ना, तो ऑप्शनल चीज़ें भी लगभग 500 आपको एक्स्ट्रा लगेंगे ऑप्शनल चीज़ें लेने के लिए। अब गेसो तो महंगा आता है, गेसो तो लो ही मत। अभी हमने भैया का लाया, भैया के पास था गेसो तो इसलिए मैंने आपको दिखाने के लिए लाया। तो ये गेसो है जो, अब ये 500 रुपीज़ की जो ये डब्बा है, तो गेसो है ना, ये मैं आगे जाके बताने वाला हूँ कि आप कैनवास पे पहले अप्लाई कर सकते हो उसको ज़्यादा स्मूथनेस लाने के लिए। वाइट, बेसिकली वाइट एक्रेलिक जैसा ही होता है वो। और ये है प्रीमियम एक्रेलिक पेंट्स, ओके। ये जो मैंने दिखाया ना आपको, ये स्टूडेंट एक्रेलिक पेंट्स है, मतलब कुछ कोई बात नहीं, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है चलो यार मेरी अब लेवल थोड़ी बढ़ गई है, तो प्रीमियम वाले एक्रेलिक पेंट्स लो। ये आर्टिस्ट के लिए, ओके, फॉर आर्टिस्ट इस पर लिखा होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपको कितने शेड्स मिल रहे हैं, 12 शेड्स आपको मिल रही है, 12 शेड्स ये प्रीमियम एक्रेलिक कलर्स। और इनमें दोनों में फ़र्क क्या होता है, एक छोटा सा डिफरेंस होता है बस, कि आपको ये जो कलर्स है ना फेविक्रिल के, इसमें ज़्यादा फ्लूडिटी होती है, इनमें कम फ्लूडिटी होते हैं, ओके। उनमें आप सिंपल शब्दों में खेल सकते हो तो थोड़ा पानी ज़्यादा होता है, डैट्स इट। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी एक्रेलिक आप ऐसे भी बिगिनिंग स्टेज में यूज़ कर सकते हो। और ये है ईजल, ओके, ईजल भी आगे जाके इम्पोर्टेंट है, स्टार्ट में लिया तो भी चल जाएगा, क्योंकि होता क्या है गाइस, बैक पेन हो जाता है अगर आप बैठ के कर रहे हो पेंटिंग, क्योंकि इस पर आप कुछ भी रख सकते हो, पेपर भी लगा सकते हो। पेपर लगाने के लिए आपको रखना पड़ेगा, लेकिन पेपर से ज़्यादा ये कैनवास के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑप्शनल थिंग्स भी हो गई है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये पैलेट हम इजीली साफ कैसे कर पाएंगे, ओके। तो लेट्स सी। तो इसके लिए एक आसान सा सॉल्यूशन है जो है सैनिटाइज़र, यस, हैंड सैनिटाइज़र, आपने सही सुना। तो ये हैंड सैनिटाइज़र है ना, ये निकाल देता है इन सब चीज़ों को, इसमें अल्कोहल होता है, ओके। तो हैंड सैनिटाइज़र एक्चुअली सस्ते होते हैं, कोई इतने भी महंगे नहीं होते, पहले बहुत महंगे थे शुरुआत में, लेकिन आप सस्ते हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हो। या फिर और एक बात है कि गर्म पानी में आप रख सकते हो इनको पैलेट में, और गर्म पानी में रखने के बाद इनके ऊपर अगर आप सोप अप्लाई करते हो, मतलब कोई भी आप सोप अप्लाई करते हो, तो वो उससे आप ये कलर निकाल सकते हो, वो एक बात है, या फिर ये एक बात है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, अभी ये स्प्रे है तो मैंने इसके ऊपर स्प्रे किया, स्प्रे करने के बाद मैंने कपड़ा लिया और कपड़े से स्टार्टेड वॉशिंग इट। देखे आपके सामने निकल रहा है। अब ये कोई पोस्टर कलर नहीं था, ये सच में एक्रेलिक कलर ही था, आप देख सकते हो ये एक्रेलिक कलर ही है। मतलब अगर मैंने इसको पानी लगाया तो आप देख सकते हो, देखिए ये तो निकल जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है, कितने आसानी से निकला, बहुत आसान तरीके से फटाफट फटाफट साफ हो जाता है। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरी तरह से क्लीन हो गई है, कोई कुछ नामो निशान बचा नहीं है, ये थोड़े बहुत स्टेन्स है तो इतने तो चल जाएंगे, ओके। लेकिन एक्चुअली एक्रेलिक का कैसा होता है पता है क्या, पहले वाला जो कलर होता है ना वो दूसरे वाले कलर को लगता नहीं है शेड, मतलब जो लेयर्स है, क्योंकि एक बार लेयर बन जाए ना, वो सूख जाए ना, फिर दूसरा मिक्स नहीं होता उसमें। तो वैसे एक्रेलिक का कोई बात नहीं है, इसलिए मैंने इस पे लेयर पेंट किया। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्लीन योर पैलेट। अगर आपको ये सब चाहिए नहीं कि भाई मुझे ये साफ विफ करना ही नहीं है, मुझे बहुत बोर होता है, तो डायरेक्टली आप इस पे प्लास्टिक पेपर रैप कर सकते हो जब आपको पेंटिंग करनी है, और बाद में एक बार आपकी पेंटिंग हो गई कि ये प्लास्टिक पेपर डस्टबिन में डाल दो। सिंपल, बहुत आसान तरीका है। फिर आपकी कलर पैलेट ये नई की नहीं ही रहेगी, ओके, न्यू, ब्रांड न्यू रहेगी। तो ये आप चीज़ कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कैनवास के बारे में वीडियो देखनी है तो आप राइट वाली वीडियो क्लिक करो, और आपको हाउ टू मिक्स एक्रेलिक कलर्स, हाउ टू एक्चुअली यूज़ देम, उनको यूज़ कैसे करें ये देखना है तो आप लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो आगे जाके आने वाली है, तो यहाँ मैं डाल दूंगा। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके आर्टिस्ट फ्रेंड्स को, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।